लेकर के जहां पूरे देश में तांडव मचा है वहीं सीरीज को लेकर के जहां पूरे देश में तांडव मचा है वहीं रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज पुतला जला करके इसका विरोध किया और साथ ही साथ जम करके नारेबाजी लगा रहे हैं। अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार पुतला जलाया जा रहा है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए और इनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है और क्या कारण रहा है। सबसे पहले अपना नाम और परिचय बता दीजिए। माधव त्रिपाठी जिला महामंत्री हिंदू वाहिनी। आज ये पुतला जला रहे हैं किस लिए जलाया जा रहा है क्या? ये तांडव फिल्म के निर्माताओं सभी पे लगा पुतला फूंका गया है क्योंकि लगातार चाहे वेब सीरीज हो या फिल्मों के नाम पे वो बॉलीवुड कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पे प्रघात कर रहा है जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसको लेकर के हमने किया है और एक ऐलान भी हमने किया हुआ था कि जो सैफ अली खान और तांडव फिल्म के निर्माता निर्देशक लेखक जिसको भी जूता मारेगा पर जूते 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और भी कुछ आपके ऐलान थे वो देखिए और इनको भी गला काटने वाले को एक बड़ा इनाम दिया जाएगा क्योंकि देखिए हम लोग लगातार अगर कोई फिल्म आती है हम लोग प्रदर्शन करते हैं ये लोग माफी मांग लेते हैं लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा और अगर ये तांडव फिल्म रिलीज होती है तो हम लोग भी हलाला वेब सीरीज रिलीज करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। हम किसी धर्म जाति संप्रदाय का अपमान नहीं करते हैं लेकिन अगर हमारे धर्म पे नजर उठेगी तो वो आंखें फोड़ दी जाएंगी। हमें संविधान का पालन करना भी आता है और संविधान कैसे तोड़ा जाता है ये भी आता है। इसमें कोई शक नहीं है। संविधान का पूरा सम्मान है लेकिन बात अगर हमारे सनातन धर्म पे हमारे आत्मसम्मान पे आती है तो फिर संविधान को तोड़ने में हम थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। अगर देखा जाए जो आपने ऐलान किया है वो आप अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं या फिर देखा जाए तो हिंदू युवा वाहिनी के जो संगठन है उसकी ओर से ऐलान? देखिए ये हमारा व्यक्तिगत है, ये हमारा व्यक्तिगत तौर पे है। बाकी संगठन भी संगठन के सारे पदाधिकारी सभी लोग इसके सारा हिंदू समाज इसके विरोध में है लेकिन जहाँ तक बात ऐलान की जाए तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं स्वयं पे लेता हूँ। तो बिल्कुल रायबरेली में कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ऐलान भी कर दिया हमारे साथ तो कुछ लोग और भी है। भैया अपना नाम और परिचय बता दीजिए। संतोष पांडे नगर अध्यक्ष भाजपा रायबरेली। ये पुतला किस लिए है और क्या आप लोगों की लगातार मांगे रही है? ये तांडव फिल्म को तत्काल बैन करने के खिलाफ आज हम सभी यहाँ सनातन धर्म के अनुयायी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बार बार एक बार नहीं कई बार हो चुका है हिंदू सनातन धर्म देवी देवताओं के खिलाफ हिंदू सनातन धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ ही ये फिल्म क्यों बनाई जाती है। इसलिए इनको जितनी भी कड़ी सजा दी जाए वह कम ही होगा क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के इतना ज़्यादा आहत है। आपने देखा पूरे देश में इसके लिए बवाल हो रहा है। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि इस बार इनको इतनी कड़ी सजा दी जाए क्योंकि इन्होंने सीधे भोलेनाथ को अपमान किया है। हमारे देवों को देव आराध्य महादेव भोले शंकर को अपमानित करने का काम किया गया है। इसलिए इन पे तत्काल इस फिल्म को पहले बैन करिए और इतनी कड़ी सजा दी जाए कि हिंदू सनातन धर्म पे फिल्म बनाने वाले इनके खिलाफ अपमानित करने वाले 20 बार सोचे इनकी सात पुश्तें भी रूह कांप जाए कि हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ हमें फिल्म नहीं बनानी है। तांडव को लेकर तो तांडव मचा हुआ है, क्या रहेंगे आप लोगों की मांगे और क्या विरोध रहेगा? ये हिंदू धर्म को हर बार अपमानित करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है ये साजिश रची जा रही है ये बहुत ही निंदनीय है और मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई बनती हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि हमारा हिंदू समाज बहुत ही इससे आहत हुआ है। ये बार बार जो किया जा रहा है इससे हिंदू समाज के ऊपर प्रहार है ये। अगर देखा जाए भाई सब तो यहाँ पे एक ऐलान भी किया गया है, उस ऐलान को किस नजरिए से आप लोग देखेंगे और क्या रहेगा वो ऐलान? नहीं मेरा सबसे पहले अपना नाम बताऊँ, मैं प्रिंसू सिंह राजपुर श्री राष्ट्रीय राजपुर करनी सेनगर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जैसा कि अभी हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन भी दिया था और आपने देखा हमने पुतला फूंका था। हमेशा हिंदू धर्म को क्यों आहत पहुंचाई जाती है? हमारे देव के देव महादेव के ऊपर जो मतलब अभद्र ये सब वीडियो वगैरह बनाए वेब सीरीज बनाई हम जल्द से जल्द मतलब सरकार से मेरी यही विनती है कि इनको फांसी चाहिए दोषियों को। बिल्कुल तांडव जिस प्रकार पूरे देश में तांडव मचा रखी है उसको लेकर के विरोध जो भी प्रदर्शन है आज यहाँ रायबरेली में हिंदू युवा पदाधिकारियों ने ऐलान भी किया है कि जो इनको जूता मारेगा उसे 500 रुपए का जो इनाम भी दिया जाएगा। केशवानंद शुक्ला रायबरेली।